गुड मॉर्निंग बोलूं कि गुड आफ्टरनून बोलूं, क्योंकि अभी समय जो है 11:30 बज रहा है। आप लोग को घड़ी दिखाऊं, ये देखिए 11:30 हो रहा है। हाँ, तो अभी मैं सारा काम करके फुर्सत हो गई हूँ और अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ, सिर्फ अपना नाश्ता की हूँ, चाय पी थी और उसके साथ 2 टोस्ट खाई थी, और उसके बाद मैंने 2 एप्पल काटा और उसमें काला नमक थोड़ा सा चाट मसाला डाल करके 1 प्लेट पेट भर खाया और फिर सबको बनाया खिलाया। और कल हमारे यहाँ जो है छोटा वाला बेटा मेरा जो है दूध लेकर के आया था, फिर क्योंकि वहाँ जहाँ पे डेयरी में हम दूध हमारा आता है वहाँ 2 भाई हैं, तो वो जो है एक जब रहता है तो वो दे दिया, दूसरा नहीं रहता तो उसको पता नहीं रहता कि उनके घर में दूध गया कि नहीं गया। तो छोटा वाला बेटा जो है ले आया दूध, तो उनको नहीं मालूम था, फिर बड़ा वाला भाई भी दे गया, तो फिर हमारे ससुर जी ले लिए। हमारे ससुर जी कहें कि अच्छा चलो अब ये 3 किलो दूध हो गया, तो जो बचेगा उसका खीर बना देना। तो फिर मैं आज सुबह खीर भी बनाई थी, आप लोगों से मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि सुबह मुझे ना बहुत जल्दी रहती है, आपसे बताया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उनका खाना मुझे बनाना रहता है, टिफ़िन तैयार करके देना पड़ता है, तो सुबह बहुत जल्दी रहती है। मैं उठते ही पहले क्या करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, मैंने 5 बजे उठ जाती हूँ, इधर 5-6 दिन से तो उठ जाती हूँ, नींद खुलती रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इधर ठंडी आ गई है तो ठंडी में तो वैसे भी कहते हैं ना वॉक वॉक करना अच्छा होता है, क्योंकि हमको समय मिल जाता है, रात बड़ी होती है और 5 बजे उठ जाओ, 5:30 बजे तक भी टहल करके आओ तो बिल्कुल मतलब अंधेरा रहता है। तो फिर मैं 5 बजे 4:45 बजे मेरी नींद खुल जाती है, तो फिर मैं फ्रेश व्रेश होती हूँ, उसके बाद अपनी थायराइड की गोली खाती हूँ, फिर वॉक करने चले जाती हूँ, फिर वहाँ से वॉक करके आती हूँ, तो बस कपड़ा चेंज करके अब मैं दलिया चढ़ा देती हूँ और दाल चढ़ा देती हूँ, तब तक मैं वो पकता रहता है, फिर मैं अपना एक्सरसाइज योगा करती हूँ, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज योगा, उसके बाद नींबू और शहद पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद मेथी फुलाई रहती हूँ, मेथी खाती हूँ, उसके बाद मैं खाने में जुट जाती हूँ, सब्ज़ी काटती हूँ, सब्ज़ी छौंकती हूँ, आटा सान के रोटी बनाती हूँ, तब तक मैं 8 बजे वॉक करके आ जाते हैं, फिर जब ये वॉक करके आ जाते हैं तो बस इनका टिफ़िन तैयार करके इनको दे देती हूँ, फिर तब तक मैं मेरी चाय बनती रहती है, फिर मेरी चाय बन गई तो मैं चाय पी ली 2 टोस्ट के साथ, उसके बाद जो है इनका टिफ़िन तैयार करके मैं दे, फिर ये लेकर के चले जाते हैं, फिर उसके बाद जो है फिर दूसरा हमारा जो क्या होता है, हमारी सास नहा लेती हूँ, उनको मैं धोती चेंज करवाती हूँ, धोती बदलाती हूँ, और फिर हमारे ससुर जी नहा लिए, फिर उनके लिए रोटी बनाई, फिर उनको लोगों को खिलाया, फिर छोटा वाला बेटा फिर अपना नाश्ता वास्ता किया, चाय वाय पिया, उसके बाद सारे बर्तन में रख करके फिर झाड़ू पोछा करती हूँ, और मैं सुबह झाड़ू पोछा नहीं करती क्योंकि सुबह मुझे सिर्फ किचन में डट जाना होता है खाने के लिए, तो अगर मैं ये सब काम करती रहेंगी, छोटे घर नहीं हैं, बड़े बड़े घर हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है झाड़ू पोछा करने में, तो फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा में जुट जाती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करके सारा बर्तन वर्तन धुल के एक बार मैं सुबह जो है कपड़े चेंज करके खाना बनाती हूँ, इतनी सुबह मुझे जल्दी नहाने का टाइम नहीं रहता, फिर उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ, नहाने के बाद फिर अभी बस खाने का टाइम 12:30 बजे तक मैं अपना खाना लंच लेती हूँ, तो बस अभी मैं फुर्सत हो गई हूँ, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और कल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दिया है आज सुबह सुबह, मेरा मन कल साड़ी पहनने का था, क्योंकि हम लोग पहले था क्या ना कि साड़ी पहनते थे, खैर अपने मायके में तो मैं सब कुछ पहनती थी, और जब मेरी मैरिज हुई है तो मैं 3 साल अपने मायके में थी, क्योंकि मेरे बच्चे जो है उस समय नहीं थे, तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, ग्रेजुएशन पूरा कर रही थी, तो मैं अपने मम्मी के यहाँ थी, फिर बड़ा वाला बेटा जो है पेट में मेरे आया तो मैं वहीं थी, तो वही मेरा बड़ा वाला बेटा मेरा इलाहाबाद में ही हुआ है, तो मैं वहीं थी, 3 साल में अपना ग्रेजुएशन पूरा करी, तो ससुराल में नहीं थी, तो मायके में मैं सूट कुर्ती वगैरह यही सब पहनती थी, साड़ी कभी नहीं पहनती थी, और मुझे हैबिट भी नहीं थी ना, मुझे पहनना आता था साड़ी, कायदे से मैं नहीं पहन पाती थी, ऐसे ही लपेट लेती थी, तो जब ससुराल में आ गई तो फिर ससुराल मेरा थोड़ा इधर करबी तरफ है गांव साइड में, तो फिर मैं वहां जाती थी तो बड़ा वहां का पुराना रिवाज था पल्ला लेना, घूंघट करना, लेकिन क्या करें मजबूरी थी, करना पड़ता था,
संभलती तो नहीं थी साड़ी। और आप लोगों को बताएं, जब मैं अपने मायके में थी ना, तो मम्मी मेरी कहती थी, और जब मेरे हस्बैंड जाए ना तो मुझसे क्या है, मम्मी इसको साड़ी पहन के काम करना सिखाया करिए, नहीं ये वहाँ कैसे करेगी। तो मम्मी कहें कि भैया ही साड़ी पहन के का काम कर पाएगी, इसे साड़ी पहन के काम नहीं कर बनता है, ये तो वैक्सी ही पहनती है, कहें इसको सिखाया करिए। तो फिर मैं साड़ी पहन करके मैं जो है मम्मी मेरी बड़े वाले बेटे को लेकर के मतलब बाहर बैठी हुई थी, तो मैं साड़ी पहन के सब्जी छौंक रही थी। तो जैसे ही मैं सब्जी मतलब छौंकने के लिए करी ना, तो मेरा पैर जो है मेरी साड़ी में फंस गया, तो मेरा हाथ ऐसे कढ़ैया में ऐसे गिर गया, तो मैं जल गई थी। अभी निशान मिट गए होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े पूरे हाथों में है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, काफ़ी साल हो गया ये पूरे, ये देखिए अभी अभी ये थोड़ा थोड़ा है पूरे हाथ में, काफ़ी जल गया था जो है। तो मेरा थवन जो है, नहीं, बाद में बेटा हो गया था, बड़ा वाला बेटा मेरा हो गया था, फिर उसके बाद काफ़ी जल गई थी मैं, तो इसलिए साड़ी मैंने, फिर मम्मी भी मेरी बोली, कहें भैया देखो एक चीज़ तो कम आने पड़ी है, ये मैक्सी पहनी हुआ दुपट्टा ओढ़े रही, साड़ी पहन की काम ना कर पाई जल। तो कहें चलिए ठीक है। फिर मैं अपने ससुराल में मैक्सी वगैरह पहनती थी, कहीं जब जाती थी ना तब साड़ी पहनती थी, तो धीरे 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 हैबिट पड़ गई। तो सूट वगैरह मेरा सब मम्मी के यहाँ रखा था, तो फिर मेरे चाचा की बिटिया, मेरी जो कज़न है, सब लोग वो सब ले गई, मेरे पास सूट बहुत था, मैं क्योंकि मैं पढ़ रही थी, शादी के बाद भी पढ़ाई कर रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मेरे पास बहुत सूट वगैरह थे, तो मेरे सब चाचा की बिटिया लोग ले गई, क्योंकि फिर मुझे पहनना ही नहीं होता था। फिर मेरा बेटा हो गया था, फिर मैं यहाँ ससुराल रहने लगी, तो मैक्सी घर में तो मैक्सी पहनती थी, मतलब दुपट्टा वगैरह ओढ़े रहती थी, मगर सूट वगैरह नहीं पहनती थी, सूट तो एकदम से छूट ही गया था मेरा। फिर भगवान की दया से अब यहाँ शहर में मेरे हस्बैंड ने अपना घर बनवा लिया, तो तब भी मैं 16-17 साल गांव में रही हूँ, किसी तरह एडजस्ट की हूँ, करना पड़ता है ना हम बहुओं को, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है, और सभी बहू को करना पड़ता है भाई ससुराल में। और फिर वहाँ 16-17 साल वहाँ पर रही, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड करवी में घर बनवा लिए, फिर अब हम यहाँ आ गए। फिर मेरे बेटे पढ़ते थे करवी में यहाँ, तो उनको आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, दूर पड़ता था, तो फिर यहाँ घर बन गया, तो हम अब यहाँ रहने लगे। सिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, गाँव से ही तो अच्छा ही है। तो अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड मतलब थोड़ा थोड़ा फूलने लगी, मैं एक्सरसाइज योगा करने लगी थी, तो फिर मैं कुर्ती वगैरह सूट वगैरह पहनने लगी, पहन के जाने लगी, तो फिर झिझक मेरी हट गई। लेकिन हाँ, अब भी यदि कहीं ससुराल पक्ष में कहीं भी जाती हूँ, तो मैं साड़ी ही पहन के जाती हूँ, सूट वगैरह नहीं पहनती, घर में पहनती हूँ, या बाज़ार मार्केट कभी गई तो फिर पहन के चली गई, मम्मी के यहाँ गई तो पहन के गई, ज़्यादा मैं नहीं खरीदती हूँ, गिने चुने बस 4-5 मेरे पास हैं, तो कहीं आए गए तो इमरजेंसी में जैसे मैं पहन लेती हूँ, नहीं तो बाकी मेरे पास साड़ी है, साड़ी मेरे पास बहुत है, और मैं साड़ी ही पहन करके जाती हूँ। और सच में ना शादी के बाद तो साड़ी ही खिलती है शरीर में, मानिए चाहे ना मानिए, तो फिर मैं साड़ी बिल्कुल पहनना ही बंद करती जो है, मैं मैक्सी वगैरह पहने रहती थी, तो मुझे कल जो है शौक़ लगा, मैंने कल और मैं साड़ी पहनती हूँ, कल संडे था, सुबह इतनी जल्दी रहती तो कहाँ साड़ी ला देंगे, जल्दी से मैक्सी पहने खाना बनाने में जुट गए, तो कल मैं साड़ी पहन ली, तो मेरे हस्बैंड टहल के आते तो मुझसे कहते कहीं जात है का, मैं कहा नहीं भैया मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कहें साड़ी क्यों पहनी हो, मैंने कहा बस मेरा मूड था तो ऐसे ही होता है। फिर मेरा बेटा उठा, वो साड़ी में देख कर, तो वो भी कहता है मम्मी कहीं जा रही हो सवेरे सवेरे क्या, मैं कहा नहीं बेटा आज मेरा संडे है तो पहन ली हूँ, तो कल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पता है तो साड़ी पहन के काम नहीं कर पाती, बहुत कोशिश कर रही थी कि कर लूँ, सब्जी छौंक दिया, सब्जी खाट वाट रही थी तब तक पहनी थी जो है, फिर जब आटा सानने लगी ना तो मुझे अजीब सा उलझन लग रही थी, फिर मैं उतार के रख दी, फिर मैक्सी पहन ली, लेकिन जो साड़ी पहनी थी तो मुझे बहुत अच्छा फील महसूस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कल बहुत दिनों के बाद साड़ी घर में पहनी थी, फिर उसका थोड़ा सा मन हुआ नाचने का, तो मैं थोड़ा सा कल नाच भी दी थी, आप लोगों के पास थोड़ी सी क्लिप मैंने डाल दी है, क्यों बचपन में मुझे नाचने गाने का बहुत ज़्यादा शौक था, मैं बहुत अच्छा जो है स्कूल वगैरह में हर फंक्शन में मैं प्रोग्राम में भाग लेती थी,
और आप लोग इलाहाबाद में जानते होंगे कॉलेज बहुत बड़े बड़े थे, क्रॉसवेट था, और जो है ये क्या क्या बोलते हैं, नवीन महिला शिव सदन, और क्या कहते हैं, कई कई कॉलेज था। तो मैं जो है गाइड, स्काउट गाइड ली थी। तो हम लोगों की गाइडिंग में कार्यक्रम होता था भागों का। हम मतलब इतनी मैं डांस वगैरह में मैं बहुत तेज़ थी, तो मेरी टीचर मुझे हर जगह जहाँ भी कंपटीशन होता था मुझे ले जाती थी। तो क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में भी डांस कंपटीशन था, तो वहाँ पर मैं फर्स्ट आई थी। मतलब फर्स्ट प्राइज़ मिली थी, सील्ड मिली थी, आरकन्या जो है वहाँ ऑफिस में लगाई गई थी। तो हमारी जो है मैडम मुझे बहुत प्यार करती थी, कहती थी सीमा हर चीज़ में तेज है, और मुझे डांस और गाने का बहुत शौक था जो है। तो कल मुझे ऐसा लगा लाओ मैं थोड़ा सा नाचती, और अब थोड़ा सा मोटी हो गई हूँ तो सांस फूलने लगती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। बल्कि मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी तुम इतना अच्छा नाचती हो तो क्यों, अपने शरीर को फिट कर लो ना, नाचो ना, जो है नाचने से भी थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाती है। तो बस कभी मूड होता है अपने कमरे में नाच लेती हूँ, मैंने कहा लाओ थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो चलिए ठीक है, अब मेरा लंच का टाइम हो रहा है, मैं खाऊंगी। और इस समय खाती क्या हूँ मैं, डाइटिंग चल रही मेरी 15 दिन की रूटीन है। तो बस वही अभी दाल लिए हैं, दाल में टमाटर डालूंगी, प्याज डालूंगी, और मूली है, मूली का पत्ता डालूंगी, फिर सबको पूछ पूछ के फिर उसी को खाऊंगी और एक रोटी खाऊंगी। तो थोड़ा बहुत वेट कम करना है, क्योंकि मुझे थायराइड भी है, थायराइड भी में भी मोटापा होता है, और वैसे भी मेरी शरीर इधर फूल रही है। मेरी कोई वैसी वाली शरीर नहीं कि मैं मोटी हूँ ठोस है, नहीं, मेरी फूली वाली शरीर है। क्योंकि मैं थोड़ा सा भी जब सीढ़ी चढ़ जाती हूँ या पैदल चलती हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है, और मुझे मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बड़ा रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा ऑयली चिकनी चीज़ में 15-20 दिन ऑयली, तो मैं 1 महीने का मेरा टारगेट है, मैं ऑयल नहीं खाऊंगी, अपनी बॉडी में बिल्कुल एक बूंद भी ऑयल नहीं डालूंगी, सिंपल खाऊंगी, जीरो ऑयल का खाना बना के खाऊंगी, ताकि कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल में एक होता है ट्राइग्लिसराइड्स जो मेरा बहुत बड़ा रहता है, और ट्राइग्लिसराइड्स हार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि मेरे पापा भी हार्ट के पेशेंट थे, और उनकी शरीर की प्रकृति और मेरी शरीर की प्रकृति बिल्कुल एक जैसी है। बल्कि मेरी मम्मी कहती थी बाप बिटिया एक ही तरह हैं, दोनों लोग एक ही तरह हैं, जो उन बाप के हो तो वही बिटिया के परेशानी रहती। तो हम बाप बेटी का एक ही तरह शरीर की प्रकृति थी, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे अपना केयर करना पड़ेगा, क्योंकि पता है मेरे पापा हार्ट अटैक की वजह से ही उनकी डेथ हो चुकी है, नहीं मेरे पापा अभी मरने लायक नहीं थे। जब उनकी चर्चा करती हूँ ना तो मेरा मन बहुत वो हो जाता है। जहाँ भी हो मेरे पापा खुश रहें, जहाँ भगवान ईश्वर उनको जन्म दे, उन्हें हर तरह की खुशी मिले, बस मैं यही चाहती हूँ। क्योंकि मेरे पापा हम लोगों को बहुत जल्दी छोड़ करके चले गए, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्हें बहुत शौक था अपने नातियों को, नातियों का शादी ब्याह देखने का, हर चीज़, लेकिन भगवान ने बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों से खुशियाँ छीन ली है मेरे पापा को लेकर के। तो मैं बिल्कुल अकेले हो गई हूँ, कोई भी दुख तकलीफ कुछ भी होता था मैं उतना अपने मम्मी से नहीं कहती थी जितना अपने पापा से हर चीज़ बता। और जहाँ मैं गलती करती थी मेरे पापा मुझे बहुत समझाते थे, इतना अच्छा, अच्छे अच्छे हर चीज़ बताते थे कि क्या बताएं। तो मैं क्या, हर बेटी को अपने बाप को अपनी बिटिया से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है, चाहे जो भी बाप हो चाहे जो भी बेटी हो। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, फिर आप लोगों से शाम को मिलते हैं, बाय। कैसे आप सब लोग, तो देखा आपने अभी मैं शाम की अपनी चाय बना रही हूँ, और मैं आज कहीं चली गई थी तो इससे थोड़ा लेट हो गया, तो बस चाय बना रही, भिंडी की सब्ज़ी, और ये बैंगन है, ये आलू, तो इसकी मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से भले देर हो जाए लेकिन आप लोगों से बात करना ज़रूरी है। मैंने कहा था कि मैं फिर मिलूँगी आपसे, फिर मुझे टाइम नहीं मिला,
चलिए मैं अपनी चाय बना करके पी लेती हूँ और फिर मुझे जो है अभी ये भिंडी की सब्ज़ी छोंकी हूँ क्योंकि ज़्यादा कोई खाएगा नहीं इस टाइम, तो भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। और गर्मी है देखिए, पसीना हो रहा है। तो चलिए फिर मॉर्निंग में आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, सुरात्रे। मॉर्निंग, तो बस अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और अभी मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं। तो बस मैं सुबह गई हूँ, वॉक करके आई हूँ, तो नींबू शहद पानी पी रही थी जैसा कि मैंने अभी आप लोग को दिखाया, और कपाल भाती अनुलोम विलोम, और अभी एक्सरसाइज करके फुर्सत हुई हूँ। तो बस अभी जस्ट जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाने और चाय चढ़ाऊँगी, चाय पीऊँगी। और आज सुबह सुबह देखिए लाइट चली गई है, तो ये तो दूसरी लाइट है जो जल रही है, लेकिन इसका प्रकाश अच्छा लगता है, पूरे कमरे में नीला नीला लगता है। तो बस चलिए अब मैं जाती हूँ, दाल चढ़ाती हूँ, चाय चढ़ाती हूँ। तो मैंने कहा चलिए सुबह की थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, मॉर्निंग में थोड़ा सा क्लिप भी दिखा देती हूँ। तो मेरा 15-20 मिनट का जो है एक्सरसाइज योगा करती हूँ, और सुबह सुबह 5 बजे वॉक करने चली जाती हूँ। तो मेरा ये रूटीन बन गया है, बना रहा सच में ना, सुबह वॉक करके आए तो शरीर में एनर्जी रहती है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो चलिए मैं दाल चढ़ा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है मैं सारा दिन बहुत व्यस्त थी, आप लोगों से बात करने का भी मुझे मौका नहीं मिला। देखिए मेरी बिंदी अभी नहाई हूँ ना तो गिर गई, ऐसा लग रहा है धूप इसका ख़त्म। तो आज मैं सारा दिन अपने कमरे की साफ सफाई में जुटी थी, क्योंकि नवरात्र आने वाला है तो, और मुझे अपने ही कमरे से शुरुआत करनी होती है क्योंकि मैं अपने ही रूम में, क्योंकि मेरे यहाँ कोई छोटा सा अलग सा पूजा घर नहीं है, तो मैं अपना वही रूम में ही अपना सारी व्यवस्था करती हूँ। तो आज सारी दोपहर मैं उसी साफ सफाई में ही जुटी थी, आज बहुत ज़्यादा थक गई, तो अभी चाय बनाई हूँ, चाय पी हूँ, और आज देखिए मैं क्या बना रही हूँ, मेरा खाने का मन था तो चलिए आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए ये हमारी इडली बन रही है, और उधर मेरा दूध पक रहा है, और ये मेरा इडली का बर्तन है। तो आज हम ये इडली ही बनाएंगे, बनाए हैं जो है, सॉरी। ये देखिए कितनी फूली है, देखिए अभी इसको मुझे निकालना है, और मैंने चटनी बना करके रखी है। ये देखिए ये चटनी बनाई है। देखा आज मेरा काफ़ी दिन से खाने का मन था इडली बनाए, लेकिन जल्दीबाजी में सिर्फ चटनी बनाई हूँ और सांभर बनाने का मेरे पास समय नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं बनाई हूँ। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, नहीं तो ये चिपक जाएगा, ठंडा हो गया है फिर। और मुझे जो है आज मैं मूंग की दाल बनाई हूँ, और आज सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पूरी दोपहर 1 बजे से मैं पूरी दोपहर लगी रह गई, पूरे रूम साफ कर ली हूँ, बस कल पूरे अपने रूम का पूरा पर्दा मुझे धोना है, मेज पोस वगैरह चक्कर वगैरह, तो कल वॉशिंग मशीन में डाल के वो सब धोऊंगी। और फिर ये देखिए जो बाज़ार लगी है, दुनिया भर का इतना सामान, ये देखिए पूरा, तो इसकी सफाई मैं परसों करूंगी। तो अब सरसों मुझे बनाना है, क्योंकि इधर त्यौहार आ गया है, तो थोड़ा सा तेल भी मेरा ख़त्म था, तो फिर कल मुझे सरसों बनाना है। और हम लोगों के यहाँ इधर सरसों वगैरह हो जाता है तो है अभी, तो मैं उसी को जो है दिन का छोड़ करके दे दूँगी, तो मेरे हस्बैंड जी इसको फिर लाएंगे। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ, नहीं ख़राब हो जाता है, फिर मैं आप लोगों से, अभी मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ कि आज मैंने सारा दिन कितना मेहनत किया है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो देखा आप लोग मेरी इडली और ये चटनी टमाटर की तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए। तो कैसी बनी है ये देखिए, और बहुत स्पंजी बनी है ये देखिए। तो चलिए खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।